कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के नवाबगंज विकास खंड कार्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पत्रवाहक मनोज कुमार से जबरदस्ती विकास खंड अधिकारी गोपीनाथ पाठक फर्श पर झाड़ू पोछा करवा रहे थे। इस विषय में पत्रवाहक मनोज कुमार ने बताया कि उनसे खंड विकास अधिकारी गोपीनाथ पाठक जबरदस्ती कार्य करवा रहे हैं। जब वो मना करते हैं तो उन्हें वेतन रोकने तथा उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की धमकी दी जाती है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी गोपीनाथ पाठक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, पत्रवाहक अपनी स्वेच्छा से कार्य कर रहे होंगे। अब इस मामले पर डीएम संजय कुमार सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर सीडीओ एम अरुण निमोली ने नवाबगंज के बीडीओ गोपीनाथ पाठक को एक महीने के लिए नौकरी से निलंबित कर दिया है। उनके स्थान पर राजेपुर के बीडीओ गगनदीप सिंह की तैनाती होगी। वहीं संयुक्त बीडीओ मोहम्मदाबाद अशोक द्विवेदी को राजेपुर में तैनात किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल।